हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी देख सकते हो किस तरह समा है भाई, बहुत तगड़ा मौसम बना हुआ है। और ऐसे में भाई अभी मैं घर से निकल पड़ा हूँ, अभी काम पर से आया हूँ, तो घर में देख रहा हूँ कोई नहीं है, लेकिन प्रिंस और प्रिंस की मम्मी कहीं गई हुई हैं खेत वेत में। तो चलते हैं, देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्योंकि भाई बादल का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, घड़घड़ा रहा है काफ़ी। तो अभी गेहूँ देख सकते हो किस तरह भाई पका हुआ है। और सुबह में हम 4 बजे उठ के गए थे एक जगह, मतलब गांव की हैं चाची लगती हैं, उनका थोड़ा सा गेहूं काट के आए थे, 2 बिस्सा लगभग होगा। 4 बजे उठ के गए थे, 9 बजे आए थे, तो 3 आदमी काट गए थे। तो अभी हम लोगों के पास खेती नहीं होता और इसीलिए हमें दूसरों के में मजदूरी करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं, देखता हूँ 1 बीघा और है, देखता हूँ वो लोग कितना काट पाए हैं और किस तरह कटाई होता है भाई। तो भाई फाइनली अभी मैं खेत पर आ गया और भाई अभी देख सकते हो गेहूं चारों तरफ भाई पका हुआ है और कुछ मजदूर लोग हमारे काम कर रहे हैं। और भाई आज मैं नहीं कर पाया, इस टाइम में थोड़ा सा थक गया हूं, तो काम पर से आने के बाद हमें खेत आना पड़ा और अभी इन लोगों की फरमाइश सुनता हूं। और भाई साहब प्रिंसे, क्या हाल है? अरे यार, तुम इतना ही काट पाए आज गेहूँ? लेकिन ये गेहूँ बढ़िया है ना? हेलो, अभी देख सकते हो भाई प्रिंस किस तरह गेहूं काट रहा है और मुंह पूरा बांध करके कवर करके रखा है। तो आज तो कट ही नहीं पाएगा ये ना? कटा रहा है। हाँ, नहीं कट पाएगा। तो अभी भाई इधर कट रहा है, अभी देख सकते हो भाई, ये मतलब ये पूरा खेत है और सामने वाला वो जो दिख रहा है वो पूरा खेत है, ये पूरा खेत है। ये पूरा काट लेंगे हमें कितना मिल जाएगा? मिल जाए 2 बोरी मिल जाएगा। तो इनकी मम्मी से चलते हैं, बात करते हैं भाई, उनको कन्फर्म पता होगा। तो अभी भाई इतना काटे हैं लोग, लेकिन इधर बीच में उछड़ है, तो आज तो कट नहीं पाएगा ना? आज अभी पूरा जल्लाद बने हुए हैं भाई, मुंह में कपड़ा बांध कर। और भाई अभी थोड़ा घर का काम रोक दिया हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी बहुत है और हम इसको काट लेंगे तो हमारे घर का जो भी मतलब खाने पीने का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर चावल काट के रखा हूँ, ऑलरेडी धान काटा था तो बहुत सारा चावल हो गया था। अभी गेहूं काट लेंगे तो हमें पूरे साल का इकट्ठा कर लेंगे। और अंत में हम देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई इसमें कितना बोरी बचता है हमारा, कितना मिलता है। तो अभी प्रिंस भाई लगा हुआ है, तो खाना वाना क्या बनेगा आज? हाँ बोलो, हम बनाएं? भाई आज हमें खाना बनाना पड़ेगा लगता है। और भाई इसी तरह हम लोग काटते हैं, और मैं तो सुबह में काटा था तो मेरी हालत डाउन हो जाती, क्योंकि मैं कभी गेहूं काटता नहीं था। तो अभी ये लोग भाई कभी ये भी नहीं किए हैं, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो अभी पूरा गेहूं काटेंगे और हो सकता है अगर आप लोग नहीं काट पाओगे तो हम रात को आएंगे, 3 बजे या 4 बजे आएंगे, पूरा गिरा देंगे अगर बारिश नहीं हुआ। और बारिश भाई देख सकते हो कितना भयंकर बारिश हो रहा है, बहुत भयंकर बारिश हो रहा है भाई। और ये ऐसा ना हो रात को बारिश होने लगे। हाँ प्रिंस, तो भाई हम भाग के जाते हैं, तूफान बहुत तेज है, क्योंकि मेरा टीना बांधा नहीं हुआ है और हो सकता है मैं टीना तक पहुंचते पहुंचते उड़ने लगे टीना, तो मैं दौड़ता भागते जाता हूँ। भाई बहुत तेज तूफान आ गया, आज हमारा टीना पक्का उड़ जाएगा। भाई अभी पहुंच गया हूँ, कपड़ा झाड़ के फटाफट ये मेरे सामान रख देता हूँ।
दोस्तों फाइनली भी घर पहुंच गया और ये टीना भाई बच गया, उड़ा नहीं है। और ये टीना को बांधे नहीं थे अच्छे से, अभी इसको ऐसे छा दिए थे। अभी देख सकते हो ये दबा हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उस साइड में बंधा हुआ था। हमें ऐसा एक पल लगा कि भाई ये टीना पूरा उड़ के बाहर जा गिरेगा, इसलिए मैं दौड़ते हुए आ गया। प्रिंस और प्रिंस की मम्मी वहीं पर रह गई हैं, तो अभी सारा कपड़ा उतार के रख दिया हूँ जितना भी है, ये थोड़ा सा बचा है। ये पेड़ की वजह से काफ़ी दिक्कत है दोस्तों, इस पेड़ की वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे छत पे गिर जाएगा, छपरे पे, तो नुकसान हो जाएगा। तो चलो भाई अभी तो निकल गया, अच्छा हुआ। तो दोस्तों फाइनली अभी देख सकते हो गेहूं काट के आ गए, तो अभी बन रहा है आटे का पकौड़ी। हाँ? किस चीज़ का आटा है? गेहूं के आटे का। तो गेहूं के आटे के भाई पकौड़ी बन रहा है, और अभी घोल के नीचे रखा हुआ है और इधर रखा हुआ दोस्तों। तो भाई देख सकते हो पकौड़ी निकल रहा है अभी खाने के लिए घर। तो दोस्तों फाइनली अभी आ गया भाई गर्मा गर्म पकौड़ी। तो दोस्तों फाइनली अभी बनता है आराम से, और अभी हम भाई खाना वाना खा लेते हैं, खा लिए हम तो। अभी प्रिंस बाकी है क्योंकि प्रिंस अभी मरहम जाग बैठा हुआ है, और उसके लिए चावल फ्राई होगा, रात का रखा हुआ चावल था ये। अभी देख तो सब कुछ काट के रखा हुआ है, होना होना बाकी है क्योंकि पकौड़ी वो ज़्यादा नहीं खाएगा। और मैं तो पेट भर गया मेरा तो दोस्तों पेट भर गया। और अभी चलते हैं दोस्तों वीडियो लोड करेंगे, क्योंकि यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है वीडियो लोड करने के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जो टावर पकड़ता, तो वहीं जाके हमें खड़ा होना पड़ता है, तब कहीं वीडियो अपलोड होता है। तो चलते हैं फटाफट हम वीडियो लोड करके आते हैं, और चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक।